जो चाहते हैं जो सही है उसको सही बोलेंगे और जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, तो ये पांचवा स्तंभ जो है बाकी चारों स्तंभ उसको सबल देने के लिए कब पर खड़ा है। मुझे कोई बहुत रुचि नहीं है कि मैं जयपुर से यहाँ आके आपको आधे घंटे की स्पीच दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं अपने अंदर एक वेदना है, एक पीड़ा है। मैं आईपीएस मेरा कभी सपना नहीं था बनना। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा के, मेरे पापा जूनियर इंजीनियर थे, मेरे पापा ने मुझे पढ़ा के मुझे इंजीनियर किया। मैं उत्तराखंड में इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं दिल्ली चला गया। लेकिन एक घटना ने समाज के अंदर एक दो घटनाओं ने मुझे इतना विचलित किया कि मैं किससे किससे किसी किसी न्याय के लिए मैं किसके किसके यहाँ हाथ फैलाऊं। जो मैं डीएम को बोलूं, मैं एसएसपी को बोलूं, मैं चीफ मिनिस्टर को बोलूं, मैं प्राइम मिनिस्टर को बोलूं, मुझे लगा कि इन सब सारी चीजों का कभी 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 समाधान जो है वो तभी संभव है जब आप खुद आप उसको लीड करते हो। और मुझे याद है कि 9 साल की अच्छी खासी नौकरी में भारत सरकार में करने के बावजूद भी मैं आईपीएस में सिलेक्ट हुआ और राजस्थान कैडर मुझे मिला। लेकिन मैं वो अपने पुराने समय को नहीं भूलता हूँ। और ये मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि जो गैप पुलिस और जनता के बीच है वो गैप गैप एक वास्तविक गैप है, वास्तविक गैप नहीं है, इसको भरा जा सकता है। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप राजस्थान पुलिस के वेब पोर्टल्स को देखिए, पुलिस की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास कीजिए, एफआईआर के बारे में जानने के प्रयास कीजिए, एफआईआर क्या होती है, कैसी होती है, परिवादी कैसे अपनी बातों को रख सकता है, किसी थाना क्षेत्र पे अगर वो एसएचओ उसकी बात को नहीं रख सुनता है तो उसके बारे में फीडबैक दीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उसके बारे में जानिए अब आगे आप क्या कर सकते हैं। एसएचओ अंतिम पड़ाव नहीं है, उसके ऊपर अपनी आप किन किन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, ये जानकारी जब आपको होगी तभी आप ये समझिए कि आपको न्याय मिलने की संभावना बढ़ेगी। राइट, ये सब चीजों को समझना मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल है। और शायद यहाँ पे कुछ ये भी जो वीडियो चलाने थे शायद वो संभव नहीं हो पा रहा, नहीं तो शायद वो 10-15 मिनट में वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते कि पुलिस की जो वेब पोर्टल हो किस तरह आपके लिए सहयोगी होगी। तो यहाँ जितने भी पढ़े लिखे बच्चियां हैं उनसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि राजसारथी फाउंडेशन की टीम है, इनको अपना बुकलेट आप दीजिएगा और इनको बताने का प्रयास कीजिएगा कि एक बार ये उस पर जाएं और कोशिश करें पुलिस को समझने का प्रयास करें।